पढ़ने के लिए। वाई क्या है? ये क्या है फिर पूरा बना पाने? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग को समझ में आ गया मतलब एक दिन में क्या बनेगा, इतना दरा भर जाएगा एक दिन में, पीनल से इतना दरा भर जाएगा, दोनों मिलाकर कितने दिन में भर रहे? इतना हिस्सा भर रहे तालाब का, ये तालाब का इतना हिस्सा भरेंगे दोनों मिलकर एक दिन में, तालाब का 1/15 हिस्सा भरा जाएगा दोनों नल से एक दिन में, एक नल से इतना हिस्सा भर जाएगा, दूसरे नल से इतना, और फिर दोनों मिलाकर 1/15। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े, आगे सवाल था हमारा, दोनों नल को 12 दिन तक खुला रखा गया, दोनों नल को 12 डेज ओपन किया गया, दोनों टैप को, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले दोनों नल को 12 दिन तक खुला रखा गया। तो क्या होगा 12 दिन में कितना भर जाएगा तालाब एक नल से? 12/3 नल से, तो इतना हिस्सा तालाब का दोनों नल से 12 दिन में भरेगा। 12 दिन में तालाब का भरने वाला हिस्सा 12/x + 12/y। 12 दिन में तालाब का ए नल से जो हिस्सा भरेगा वो भरेगा 12/x और बी नल से जो हिस्सा भरेगा वो 12/y। दोनों मिलाकर 12 दिन में जो हिस्सा भरेगा तालाब का वो 12/x + 12/y। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम। उसके बाद क्या किया गया, नल बी को बंद कर दिया गया। फिर कौन सा नल चालू था? ए। नल ए चालू था है ना, उसको शुरू किया गया, उसको शुरू रखा गया। तो मजीद कितने दिन लगे थे? 8 दिन। तो इसमें 8 जमा करेंगे नहीं करेंगे? ए को बंद कर देंगे, बी को बंद कर देंगे और ए को शुरू रखेंगे, तो और कितने दिन रख रहे हैं को? ये 12 दिन तक तो भरा, 12 दिन के बाद नल बी को बंद कर दिया गया, नल ए को शुरू रखा गया, तो 8 दिन में कितना हिस्सा भरेगा तालाब का नल बी से ए से? सिर्फ नल ए से 8 दिन में तालाब का कितना हिस्सा भरेगा? 12 दिन में कितना हिस्सा भरा था? 12/ तो 8 दिन में कितना भरेगा? फिर कहां आप लोग थे? 8 दिन में कितना हिस्सा भरेगा? बी नल को बंद करने के बाद 8 दिन ज्यादा लगे, तो हमारे पास आया 12/x + 12/y और ये 8/x। जब बी को बंद कर दिया गया तो दोनों नल, जब ए को बंद किया तो ए नल ने 2 बार तालाब भरा, एक बार 12 दिन भरा और कंटिन्यू होकर फिर 8 दिन भरा, लेकिन 12 दिन सिर्फ बी ने भरा है, और भरने के बाद 12/x + 12/y + 8/y = a। मसावत कैसे बनी कौन बताएगा, किसी को समझाइए? हाँ मसावत तो आपके सामने है, 12/1 + 12/y = 1 बन नहीं आएगा? हाँ वो तो आएगा, ये कैसे है मसावत ये पूछ रहा हूँ। यस वेरी गुड, बैठ जाइए, समझ गया। बी को बंद किए, बंद किए कितने दिन के बाद बंद किए? तो और कितने दिन लगे फिर? किसको? यह है 1-8 दिन। फिर ये इसने, ये ए है, ये भी ए है, दिख रहा है ये 8/12/x और 8/1, ये दोनों जो है नल ए के हिस्सा भरने वाले हैं, और ये जो अकेला जो है ये नल बी ने हिस्सा भरा, तीनों मिला के एक तालाब को भर दिए, ठीक है? तो आप इसकी 8, 12, 12 और 8 दोनों की जमा कीजिए, कितना हो गया 20/x + 12/y = 1। मसावत नंबर 2, मसावत 1 कहां थी? 1/1 + 1/y = 1/15। ये मसावत 1 थी, ये मसावत 2 आ गई, दोनों मसावत बन गई। बस यहां तक आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करते आ गया तो आगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वैसे ही मसावत है, आमदाद मसावत, जैसे आपके मश्क में है, जो आपके एक्सरसाइज में है, क्या करेंगे इसको? क्रैक हुआ क्वेश्चन?
अब आगे आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई बच्चे बताएगा मुझे क्या करना है? एक बटे एक्स को क्या फर्ज करेंगे? एक बटे वाई को? वेरी गुड। क्या करेंगे? ये जो कीमत ली हमने ये इक्वेशन वन और टू में रखेंगे। तो इक्वेशन वन क्या बनेगी हमारी? एक और दो में रखने पर देखिए इक्वेशन क्या बनती है, एम प्लस एन इज इक्वल टू वन अपॉन 15। दूसरी इक्वेशन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे? 15 से जरा करेंगे। वेरी गुड, लड़कों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, अच्छा है, वेरी गुड। 15 से जरा करने पर कहां से आया वन? हाँ, 15 और 15 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब यही देखिए मैंने फोर में रखा, ये इक्वेशन नंबर फोर आ गई। फोर आने के बाद क्या करेंगे?
20 इंटू एम की वैल्यू, ये एम है, इसकी वैल्यू 1/30 कितना आएगा, 20 × 40 20 × 40 दो आ गया, मसाज करेंगे हमारी एक 1/2 + 12n = 1 1/2 = 12n = 1 क्या करेंगे, हाँ वेरी गुड, 2 से जब करेंगे, 2 से जब करने के बाद मसावत बनेंगे हमारी, 2 से जब किए तो 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस 12 × 2 12 × 2 = 24 1 × 2 = 2 1 × 2 = 2 हो गया, ये 1 को उधर लेके जाएंगे हम इक्वल टू के उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 24n = 1 n = 1/24 एम भी आ गया, एन भी आ गया, ओरिजिनल हमारे पास एम और एन था क्या, ये तो हमने सपोज किया था, ये हमने क्या किया था, हाँ फर्ज किया था, आगे देखिए फिर, लेकिन 1/x = m 1/y = n n कितना आया हमारे पास 1/40 y कितना आया ठीक है x = 40 y यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर वर्ड्स में नहीं लिखा, जुमलों में नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स वहां पर डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितने मार्क्स कटेंगे आप बिगड़ सकता है, एक बिगड़ सकता है, डिपेंड ऑन द मार्किंग स्कीम ऑन मॉडल पेपर, मॉडल पेपर में जो मार्किंग स्कीम रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स वहां डिडक्ट होंगे, कम कट होंगे। तो हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर, नल ए को तालाब के भरने के लिए 40 दिन दरकार होंगे और नल बी को तालाब भरने के लिए 24 दिन दरकार होंगे। सबको समझ में आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है जो हो सकता है इंशाल्लाह पूछा जाए, तो आप इसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हो ठीक है। किसी को कोई डिफिकल्टी सवाल में, किसी को कोई डिफिकल्टी, पीछे पीछे वाले जरा लेसन में इन्वॉल्व हो जाइए, आप जो आंसर आना चाहिए वो बैक साइड से आना चाहिए ठीक है, हाँ या नहीं, नहीं हाँ यस ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग।